अस्सलाम वालेकुम, अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर। और आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आजकल इस्लामाबाद, एबटाबाद और जो शुमाली इलाका जात हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ्लू फैला हुआ है। अब ज़रूरी नहीं कि ये कोविड वाला फ्लू हो, लेकिन कॉमन फ्लू है, मौसम तब्दील होता है, उसके साथ ये फ्लू अक्सर ये फ्लू की वबा आ जाती है। लेकिन फिर भी आपने इसको लाइटली नहीं लेना है, एहतियात बरतना जो है वो लाजमी है। एनीवेज, खबर का आगाज जो है वो एक बड़ी अफसोसनाक खबर है। अफसोसनाक खबर ये है कि इस्लामाबाद से लंदन जाने वाली ब्रिटिश एयरवेज की परवाज में एक खातून दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गई और जहाज को हंगामी तौर पर ताशकंद में लैंड करवाया गया। और उसके बाद जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तकरीबन 10 घंटे गुजर गए, मुसाफिर जो हैं वो ताशकंद एयरपोर्ट पर जहाज के अंदर मौजूद हैं, जिनमें बूढ़े भी हैं, मर्द हैं, ख्वातीन हैं, बच्चे हैं और शदीद जहनी कर और मुश्किल से दो चार हैं। अब आते हैं जी असल खबर की जानब। 18 महीने के बाद दुबई में मास्क जो है वो फेस मास्क और उसकी जो शर्त है उसको खत्म करने का ऐलान किया गया है, लेकिन चंद एक मकामात पर आप मास्क जो है वो नहीं पहन सकते। मिसाल के तौर पर अगर आप एक खानदान के अफराद किसी अपनी प्राइवेट गाड़ी में सफर कर रहे हैं तो अब आपके लिए मास्क पहनना लाजमी नहीं है, या अगर आप अकेले किसी पब्लिक प्लेस में या किसी रेस्टोरेंट में मौजूद हैं तो भी आप मास्क नहीं पहन सकते, यानी शर्त लाजमी नहीं है। इसी तरह स्विमिंग पूल और बीचेस पे जो साहिल समंदर है उस पर अब मास्क पहनना लाजमी नहीं है। इसी तरह ब्यूटी पार्लर्स या सलोन्स जिन्हें हम कहते हैं वहां पर भी अब मास्क पहनना लाजमी नहीं है। इसी तरह मेडिकल सेंटर्स में अब मास्क आपके लिए पहनना जरूरी नहीं है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। जाहिर है 18 महीने तक मास्क ना पहनने पर आपको मालूम है कि जुर्माने भी किए जाते थे और भारी मकदार में जुर्माने किए जाते थे, लेकिन एक चीज अब भी वो जो शर्त है वो बरकरार है, वो ये है कि आप जब पब्लिक प्लेसेस जिस तरह मॉल्स वगैरह हैं वहां पर अब जब आप लोग जाएंगे तो फिर वहां पर आपको मास्क पहनना लाजमी है। इसी तरह इवन जो जहां पर मास्क पहनना लाजमी नहीं भी वहां भी आपने समाजी फासला जो है जो 2 मीटर जो तकरीबन 7 फुट बनता है वो समाजी फासला आपने अब भी बरकरार रखना है। उसकी वजह यही है कि ताकि आपका जो कॉन्टेक्ट है जो एक दूसरे से जो रखता है या वो ज्यादा करीब एक दूसरे के आप ना हो कि कोई छींक मारे, खांसी करे तो उसके जरासीम आप तक पहुंच सके। अब पता नहीं ये जो अभी हालिया इन्होंने जो फैसला किया है इसके पीछे मंतक क्या है कि बाज जगहों पर मास्क पहनने लाजमी है, बाज जगहों पर मास्क पहनना लाजमी नहीं है। आपको मालूम है कि IPL भी, इंडियन प्रीमियर लीग भी वहां पर चल रही है, वहां पे सुनने में आया है कि प्लेयर्स को एक आध प्लेयर जो है वो कोविड पॉजिटिव आया है और उसके इर्द गिर्द जो लोग थे उनको आइसोलेट कर दिया गया है। अब IPL में लोग अगर स्टेडियम में जाएंगे तो ऑब्वियसली ये वबा एक मरतबा फिर सर तो उठाएगी, फिर जो एक्सपो 2020 है उसका इनकार जो है वो सर पर खड़ा है, यानी आने को है, चंद दिन रह गए हैं, एक हफ्ते के करीब वक्त रह गए, तो अब एक्सपो 2020 में भी लोग बड़ी तादाद में जाएंगे। अब ये सारी सूरत हाल जो है मैं तो ये समझता हूँ कि शायद ये एक तासर देने की कोशिश है पूरी दुनिया में कि जनाब अब UAE में कोविड की सूरत हाल जो है वो ना सिर्फ बेहतर बल्कि बेहतरीन है और लिहाजा लोग वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लोगों को आना चाहिए ताकि
एक्सपो 2020 का जो इवेंट है वो कामयाब हो। बहरहाल फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज़।